देश के 21 राज्यों में आपको बता दें वर्षा काल बनकर बरस रही है। सबसे बुरा हाल गॉड्स ओन कंट्री केरल का है। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से 26 लोगों की मौत हो गई। इडुक्की जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, यहां 11 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कल केरल के सीएम से बात की, उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। केरल में सिर्फ 24 घंटे में औसत से 3 गुना ज्यादा यानी 66.2 मिलीमीटर बारिश हो गई। एनडीआरएफ, सेना, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीम को राहत के काम में लगाया गया है। केरल में पिछले 50 वर्षों में ये सबसे ज्यादा बारिश है। केरल के इडुक्की डैम को 26 साल बाद खोला गया, इसकी वजह से पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जल स्तर को देखते हुए कोची एयरपोर्ट के डूबने की आशंका है। मलप्पुरम जिले में बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क का हिस्सा पानी में बह गया। एर्नाकुलम जिले के पातलम में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। मुन्नार में 50 से ज्यादा विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं। 10,000 लोगों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है।